नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अगस्त 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अलवर के भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार संदिग्धों को दिल्ली ले जाया गया है। फिलहाल इस मामले में भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर कई शहरों में छापेमारी की और 3 राज्यों से अब तक कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। अब सिंगल पेरेंट्स के लिए बच्चा गोद लेना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई नियमों के तहत 35 से 60 साल तक की उम्र के अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग रह रहे लोग भी अब बिना किसी परेशानी के बच्चा गोद ले सकते हैं। नए नियमों के अनुसार शादीशुदा हो या नहीं, किसी भी व्यक्ति को बच्चा गोद लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन फॉरेस्ट पेरेंट्स को अब 2 साल के बजाय 5 साल तक बच्चे की देखभाल करनी होगी, जिसके बाद ही वे उसे गोद ले सकेंगे। फास्टर केयर सिस्टम के तहत बच्चे अस्थायी रूप से विस्तारित परिवार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहते हैं। जयपुर में विधायक मनोज कुमार नांगली ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। साइबर ठगों ने उनके खाते से 2 बार भी 90,000 रुपए निकाल लिए। ज्योतिनगर थाने के एएसआई उदयवीर सिंह ने बताया कि विधायक मनोज कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ साइबर ठगी का मामला दर्ज किया है। विधायक ने रिपोर्ट में बताया कि 21 तारीख को बैंक में अपनी पासबुक लेकर एंट्री करवाने गए थे तो पता चला कि 4 अगस्त और 20 अगस्त को उनके खाते से 2 अलग-अलग ट्रांजेक्शन हुए हैं। राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही और औचक निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 7 अलग-अलग दलों का गठन किया गया है। ये दल अवैध खनन गतिविधियों के साथ ही आरसीसी और ब्रिजो आदि का भी निर्देशित क्षेत्र व स्थान पर औचक निरीक्षण करके कार्यवाही करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठकों के दौरान अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश देते हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इसके लिए जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की नियमित बैठकें करने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में मॉनसून एक्टिव होने के साथ ही तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा के कई जिलों में 2 इंच से ज्यादा बरसात हुई और उधर बुधवार देर शाम हुई बारिश के बाद अजमेर में आनासागर झील ओवरफ्लो हो गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर कोटा संभाग में देखने को मिल सकता है, जहां 24-26 अगस्त के दौरान कहीं बारिश तो कहीं अति बारिश होने की संभावना है। नाथद्वारा के एक सरकारी स्कूल में टीचर द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर प्रदर्शन किया। थानाधिकारी लीलाधर मालवीय ने बताया कि शिकायत मिलने पर वे स्कूल पहुंचे और आरोपी टीचर को हिरासत में लिया। इनके पहुंचने के साथ ही आरोपी टीचर भी वहां पहुंच गया था, जिसे देखकर ग्रामीण गुस्सा हो गए और टीचर की पिटाई शुरू कर दी। देश में जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को राजधानी जयपुर में उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शहर में स्थित गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, अक्षय पात्र, इस्कॉन आदि मंदिरों में विशेष सजावट की जाएगी, जिसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने मंगलवार को जयपुर शहर में आधे दिन के अवकाश की घोषणा की है। सीकर के पलसाना इलाके में आज शॉर्ट सर्किट होने से लोटस डेयरी के एक कमरे में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के उपकरण और फर्नीचर जल गए। सूचना पर खाटूश्याम जी नगर पालिका, रिंगस और श्याम मंदिर कमेटी की दमकल मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार लोटस डेयरी का प्लांट पलसाना क्षेत्र में मंडा रोड पर स्थित था, जहां अचानक आग लग गई थी। भारत ने बांग्लादेश की मीडिया की उन रिपोर्ट्स को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है, जिसमें बाढ़ की स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराया गया है। भारत ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा में गोमती नदी के ऊपर डंबूर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नहीं है, जबकि बांग्लादेश की मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि कोमिला जिले में भारी बाढ़ भारत द्वारा बांध के गेट खोलने के कारण आई है। हम ये बताना चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से इस साल की सबसे भारी बारिश हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 25 अगस्त को सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जयपुर शहर के 32 केंद्रों पर होगा, जिसमें 848 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान के भूजल मंत्री कन्हैयालाल ने कहा है कि विषम भौगोलिक परिस्थिति और भूजल की अत्यधिक कमी से जूझ रहा राजस्थान अटल भूजल योजना से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते समय उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। नवीन उद्योगों की स्थापना भी जल की उपलब्धता वाले राज्यों में अधिक होती है।
वाहन फिटनेस जांच केंद्रों को लेकर राजस्थान परिवहन विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। पिछले 3 माह से 1 दर्जन वाहन फिटनेस केंद्रों को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन फिटनेस केंद्रों की जांच के लिए विभाग ने जो इंटर रीजन चेकिंग टीमें बनाई हैं, उन टीमों में से अभी एक ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई है। दरअसल सबसे रोचक बात यह है कि इन केंद्रों पर ऐसे वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाते हैं जो कभी जांच के लिए गए ही नहीं होते, यानी केवल कागजों के आधार पर और मोबाइल की फोटो पोर्टल पर अपलोड करके वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। चूरू में नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने एक शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारी मुन्नालाल कार्यवाहक हल्का जमादार निर्धारित समय के बाद भी हाजिरी पर उपस्थित नहीं हुए। कर्मचारी को आवंटित वार्ड में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पर वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कचरे के ढेर मिले और वही नालियां भी कचरे से भरी हुई पाए जाने पर मुन्नालाल को अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया है। निरीक्षण के दौरान राकेश कुमार कार्यवाहक हल्ला जमादार के वार्ड संख्या 40, 55, 58, 59, 60 में भी सफाई व्यवस्था में संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्मिक को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली NCR में ऑटो टैक्सी चालकों ने गुरुवार से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने ओला उबर के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। टैक्सी चालक एसोसिएशन का कहना है कि ओला उबर के कारण उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है। ऑटो टैक्सी की हड़ताल पर टैक्सी चालकों की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ओला उबर में जो गाड़ी चलती है उसके चलते ही हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। उनका कहना है कि पहले CNG 40 प्रति लीटर थी, लेकिन आज 70 से ऊपर है। किराया हमारा बढ़ाया नहीं है और 9 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट हमें ओला उबर से मिल रहा है, जबकि 15 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट होना चाहिए। राजस्थान प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश की सदस्यता टोली का गठन किया। इसमें कुल 6 सदस्यों को इस टोली में शामिल किया गया है। राठौड़ ने जैसलमेर के बीजेपी युवा नेता आयदान सिंह भाटी को सह संयोजक बनाया है और इस दौरान सभी लोग भाटी को बधाई दे रहे हैं। भाटी पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी के बेटे हैं और बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।